YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शक्ति खंड में अवैध इमारतों पर कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध इमारतों पर कार्रवाई की जा रही है। शक्ति खंड 4 में अवैध रूप से बनी 5 मंजिला इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीला पंजा चलाया गया है उन इमारतों पर जो कि अवैध तौर से बनाई गई है। प्रशासन काफी एक्टिव नजर आया है अभी इनको लेकर। इमारतों को गिराया जाना जो कि अवैध तौर पर बनाई गई है, ध्वस्त किया जाना शुरू किया जा चुका है गाजियाबाद में। वहीं बीजेपी सरकार ने जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसे कैदियों को रिहा करने का फरमान सुना दिया है जो बुजुर्ग, महिला या दिव्यांग हैं और आधी सजा काट चुके हैं। रामपुर जेल को 450 कैदियों की क्षमता के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में ये संख्या बेहद कम पड़ रही है। अब यहाँ कैदियों और बंदियों की संख्या जेल की क्षमता से दोगुनी हो चुकी है। मौजूदा समय में यहाँ करीब 1000 बंदी है। इन्हें रखने के लिए महज 9 बैरक बनाई गई है, एक महिला बैरक भी है। भरी गर्मी में बैरक के अंदर रात गुजारना बेहद मुश्किल है। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार में यहां नई जेल बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था, इसके लिए जमीन भी मुहैया करवाई गई थी और पैसा भी दिया गया था, काम शुरू भी हुआ, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद जेल के निर्माण पर रोक लगा दी गई। अब बीजेपी सरकार ने मामूली अपराध में जेल में बंद कैदियों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक ऐसे बंदियों को रिहा किया जाएगा जो 60 साल से ज्यादा बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और दिव्यांग हैं। इनकी सजा 50% अगर पूरी हो चुकी है तो उनको रिहा कर दिया जाएगा।